वृंदावन में इतनी सर्दी होती है कि यहाँ पे 4 से 5 दिन बिना भोजन के कोई जीवित रह सकता है, लेकिन इतनी सर्दी में एक रात भी बिना कंबल के जीना असंभव है। हम लोगों ने ऐसी स्थिति भी देखी हुई है, एक माता जिसका उत्तरी और साड़ी 8 जगह से फटा हुआ था, सर्दी में ठिठुर रही थी और उसके पास ओढ़ने के लिए कोई कंबल भी नहीं था। अभी रिसेंटली ही उसके पुत्र ने उसको उसके घर से बेघर किया था। तो ऐसी माताओं तक हमारी संस्था पहुंचती है। ऐसे वृंदावन में हजारों माताएं रहती है जिनका वृद्ध शरीर है, घर वाले उनको घर से बेघर कर चुके हैं, और इन माताओं ने वृंदावन धाम का आश्रय लिया है कि हाँ, हम इस वृंदावन में ही अपनी अंतिम सांस काटेंगे। सर्दी में सहसुर दिया था, खांसी होता है, सिर दर्द करता है, शरीर भारी हो जाता है, चल नहीं पाता है, गोड़ फूल जाता है। हर साल जब सर्दी आती है तो ये आशा करती है कि भक्त लोग आएंगे और इनको अच्छे ब्लैंकेट्स इनको उपहार में देंगे, और हमारी संस्था हर साल हजारों की तादाद में 8 से 10 हज़ार ब्लैंकेट्स हम लोग हर साल सर्दी में इन माताओं को वितरण करते हैं। और हमारी संस्था इन माताओं के लिए राधा कुंड पे एक आश्रय स्थल, शेल्टर होम और एक शेल्टर होम वृंदावन में भी बना रही है। तो आप लोग भी इस सेवा में अपना आगे आके थोड़ा सा योगदान दें, इन माताओं का आशीर्वाद घर बैठे प्राप्त करें। मंगल का वो दर्शन नहीं करें, आज 25 साल हो गया, हम मथुरा का स्टेशन भी नहीं देखा है, हम जाने नहीं चाहता, हम यहीं रहना चाहता है। आप लोग कृपा कीजिए ना, हम मानते हैं हमारा विश्वास यहीं तक, यही हमारा अंतिम इच्छा है और कुछ नहीं है। Thank you.